नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। डिपो होल्डरों द्वारा राशन हड़पने के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, देशराज कॉलोनी के दोनों डिपो धारकों की सप्लाई कर दी गई सस्पेंड, वहीं बाकी डिपो होल्डरों की मिली शिकायतों की हो रही है जांच। एंटी नारकोटिक सेल पुलिस ने चौटाला रोड से नशीले पदार्थों के दो तस्करों को कार सहित किया गिरफ्तार, आरोपितों के कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम चरस भी बरामद। वार्ड 21 में 44 लाख की लागत से बनेंगी गलियां और सड़क, नगर निगम ने लगाया टेंडर, साथ ही शुरू कर दी गई वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर जारी होते ही 3 महीने में पूरा किया जाएगा काम। बदमाश ने बस स्टैंड पर बस में उल्टी कर ध्यान भटकाकर विधवा महिला का चुरा लिया बैग, बैग में था 70,000 रुपए और अन्य सामान, थाना शहर पुलिस ने किया मामला दर्ज। पुलिस लाइन के सामने ट्रैफिक जाम खुलवा रहे एएसआई को कार ने मारी टक्कर, हादसे में एएसआई हुआ घायल, सेक्टर 29 थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ किया केस दर्ज। महिला के साथ मारपीट कर सामूहिक दुष्कर्म व लूटपाट करने के 3 आरोपितों को वारदात के 4 दिन बाद ही CIA 2 ने किया गिरफ्तार, 3 आरोपितों को कोर्ट में पेश कर लिया गया 2 दिन की रिमांड पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें औद्योगिक क्षेत्र में लगे उद्योगों का करेगी निरीक्षण, जो उद्योग फैलाते हैं प्रदूषण उनके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। चुलकाना रोड स्थित शराब फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट के दफ्तर में घुसकर 1 लाख रुपए महीना रंगदारी मांगने वाले आरोपित को किया काबू। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।